हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैंने एक जिंदगी गुजारी उनके गानों के साथ। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन उनका म्यूजिक जिया है मैंने अपने दोस्तों के साथ। सबसे ज्यादा अलग अंदाज में श्रद्धांजलि दी है इस पाकिस्तानी गायक ने लता मंगेशकर जी को। 6 फरवरी 2022 को सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लता मंगेशकर के निधन के बाद पीएम मोदी से सिनेमाई दुनिया के सितारों तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशी हस्तियों ने भी उन्हें याद किया। इसी बीच लता मंगेशकर को सिंगर आतिफ असलम ने श्रद्धांजलि दी है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आतिफ ने अपने एक कॉन्सर्ट के दौरान लता को याद किया और उनके गाने गाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आतिफ के इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं। भारत की तरह पाकिस्तान में भी लता जी के काफी दीवाने हैं। और जब ये खबर पाकिस्तान में फैली कि लता मंगेशकर जी नहीं रही, तो उन्हें वहां के प्रधानमंत्री से लेकर आम जनता तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी बीच अलग अंदाज में श्रद्धांजलि देते दिखे पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने, जिनका बीते दिन कॉन्सर्ट हुआ था। दरअसल इंस्टाग्राम पर फरीदादुन शहरयार ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आतिफ असलम लता दीदी का गाना एक प्यार का नगमा गाते दिख रहे हैं। वहीं बैक स्क्रीन में लता मंगेशकर जी की तस्वीर दिख रही है। फरीद उनके मुताबिक आतिफ का ये वीडियो उनके दुबई कॉन्सर्ट का है। इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में आतिफ की तारीफ करते हुए लता को याद कर रहे हैं। हर बार बेशक लता जी को याद करने का तरीका अलग होगा, लेकिन इन्हें हमेशा ही याद किया जाएगा और इनके गाने और इन्हें भुला पाना हम सब के लिए नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपका इस वायरल वीडियो के बारे में क्या कहना है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट अपडेट से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।